हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री होल्डर्स पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लोकेटेड एट। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालरापाटन और सिरोही। बात करें चित्तौड़गढ़ की तो यहाँ सीताफल का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो बना हुआ है। उदयपुर के मावली में जो है मेडिसिनल प्लांट का एक्सीलेंस सेंटर है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड झालरापाटन। झालरापाटन में जो है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और बात करें सिरोही की तो यहाँ सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल एग्रीकल्चर फार्म जो कि सूरतगढ़ में है, एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। जो सेंट्रल एग्रीकल्चर फार्म जो कि सूरतगढ़ में, और इसकी स्थापना है वो 1956 में हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये पूछा गया कि ये किसकी जो है हेल्प से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड रशिया। रशिया ने जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट पे हेल्प की थी। और बात करें अदर ऑप्शन जैसे कि कनाडा, तो कनाडा ने जो जैतसर में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर फार्म है उसके एस्टेब्लिशमेंट में इस हेल्प की थी कनाडा ने, और जैतसर फार्म की स्थापना है वो 1964 में की गई थी। दोनों इम्पोर्टेंट है, स्थापना इनकी जो है कब हुई थी ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप जो है इनको नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान गवर्नमेंट स्टार्टेड फर्स्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी इन। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है फर्स्ट जो कृषि नीति है वो कब लागू की थी? ऑप्शन है 2008, 2011, 2013, 2019। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 2013 में जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने कृषि नीति वो लागू की थी, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आर एस परोदा जो कि फॉरेस्ट ब्रीडर हैं और डीजी भी रहे हैं आईसीआर के। और इसकी जो है 2013 में इसकी स्थापना 26 जून को हुई थी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट सेलाइन लैंड एरिया इन राजस्थान। राजस्थान में जो है मोस्ट सेलाइन या लवणीय जो एरिया है वो कौन से क्षेत्र में है? तो ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, पाली, बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पाली जो एरिया या डिस्ट्रिक्ट है उसमें सेलाइन लैंड एरिया वो राजस्थान में ज़्यादा है। और बात करें कोटा की तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो एरिया हाड़ौती एरिया, इसमें ब्लैक सोइल या काली मिट्टी जो है पाई जाती है और वो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद में बात करें उदयपुर की तो यहाँ रेड लोमी सोइल है जो पाई जाती है, लाल मृदा यहाँ पे मिलती है। बात करें बीकानेर की तो यहाँ सैंडी सोइल या बलुई मिट्टी जो है बीकानेर एरिया में मोस्टली देखने को मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। पिंक रिवोल्यूशन यानी कि जो गुलाबी क्रांति है वो किस से संबंधित है? ऑप्शंस हैं टोमेटो, ओनियन, प्रॉन, और फोर्थ नंबर सेकंड एंड थर्ड बोथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ओनियन एंड प्रॉन, जो प्याज और झींगा उत्पादन है वो पिंक रिवोल्यूशन इन दोनों से संबंधित है, और टोमेटो से जो संबंधित है वो है लाल क्रांति या रेड रिवोल्यूशन जो है वो टोमेटो से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप्स, जो चारे वाली फसलें हैं उनकी रानी, चारे वाली फसलों की रानी की संज्ञा किस क्रॉप को दी गई है? ऑप्शन है लुसर्न, बरसीम, सोरगम और जूट। लुसर्न, बरसीम, सोरगम और जूट, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लुसर्न जो है उसको क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप्स
की संज्ञा दी गई है, और बरसीम है उसको किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स बोलते हैं। अगर बात करें सोरगम की तो किंग ऑफ कोर्स सीरियल जो है सोरगम या जो है ज्वार को बोलते हैं, मोटे अनाजों का राजा। जूट की बात करें तो किंग ऑफ फाइबर या रेशे वाली फसलों का राजा जो है जूट को बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन वीट क्रॉप। वीट या गेहूं की जो क्रॉप है उसके इन्फ्लोरेसेंस यानी कि उसके पुष्पक्रम का प्रकार क्या है। ऑप्शन है पेनिकल, स्पाइक, हेड, टू एंड थर्ड बोथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि स्पाइक जो है वो आपके वीट के इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, और बात करें पेनिकल की, पेनिकल टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो आपके राइस में देखने को मिलता है, हेड की बात करें तो सोरगम में देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ऑप्शन है इजिप्ट, यूएसए, इंडिया, ब्राज़ील। इजिप्ट जो है वो बरसीम का ओरिजिन प्लेस है। बात करें यूएसए की तो सनफ्लावर या जो सूरजमुखी है उसका ओरिजिन प्लेस है, और इंडिया की बात करें तो मूंग, उड़द, कपास और जूट है उनका ओरिजिन प्लेस है। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ग्राउंडनट का ओरिजिन प्लेस वो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो ब्राज़ील है वो ग्राउंडनट का ओरिजिन प्लेस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन फाउंड इन सोरगम, सोरगम या ज्वार में कौन सा जो है जीन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है टिप्ट 23A, काफिर 60, नोरिन 10 और जीन। टिप्ट 23A की बात करें तो जो है आपके पर्ल मिलेट या बाजरा में जो है ये देखने को मिलता है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, काफिर 60 जो है वो सोरगम या जो बाजरा है उसका जीन है, और नोरिन 10 की बात करें तो वीट या गेहूं का जीन है, और जीन की बात करें तो ये मेज़ का प्रोटीन है, जीन नामक जो है मेज़ में प्रोटीन पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग स्ट्रेंथ ऑफ चिकपी या जिसको अपने बोलते हैं ग्राम साइसर एरिटिनम चना, तो इसका जो है सेलिंग परसेंटेज इसमें कितना होता है। ऑप्शन है 33%, 39%, 49% और 65%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 49% जो है चिकपी का सेलिंग परसेंटेज होता है, और चिकपी और बात करें अगर पी यानी कि मटर तो उसका भी 49% होता है। 33% की बात करें तो ये लिंट परसेंट इन कॉटन का जो लिंट परसेंट है वो 33% होता है, और 65% या 66% की बात करें तो हलिंग परसेंट ऑफ राइस जो है 66% या 65% होता है। तो आज के जो है 10 क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो सभी जो क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल एग्री होल्डर्स के नाम से जो बना हुआ है और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप इन सभी क्वेश्चंस को क्विज के रूप में अटेंड कर सकते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करें और क्विज अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, ऐसे ही शानदार सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।